हेलो नमस्कार जोहार प्रणाम, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए बने रहे हमारे चैनल में। आजकल कुछ नया करने की कोशिश में आप सभी के बीच समाचार देने का काम कर रहे हैं। हमारे झारखंड के अलावा अन्य जगहों पर झारखंड के रहने वाले भाइयों से निवेदन है, कमेंट करके जरूर कुछ न कुछ जानकारी दें। सिमडेगा जिला के प्रखंड पकडाण थाना क्षेत्र अंतर्गत बगडाण के समीप अनियंत्रित होकर सुगड़ा खेदवा टोली निवासी विनोद तिर्की घायल हो गए। तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल सिमडेगा लाया, जहां पर डॉक्टर मनोज प्रताप डुंगडुंग की देखरेख में उसकी इलाज की गई। बताया गया टक्कर के कारण उसकी पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी, जिसे तत्काल इलाज कर लिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के साथ ही विधायक भूषण बाड़ा सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली, साथ ही उन्होंने मरीज की हालत को देखते हुए तत्काल एम्बुलेंस की मदद से उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची भेजने की बात कही। बताया गया कि विनोद तिर्की ग्राम सभा अध्यक्ष है और वह सब्जी बेचने सिमडेगा आ रहा था, इसी बीच घटना घटी थी। सिमडेगा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से ठेठांगर के मेरमडेगा गांव में बैठक करते हुए लोगों को धर्म कर्म और सनातन संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ाने की बात कही। मौके पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष कौशल राज सिंह देव मौजूद रहे। उन्होंने सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति सजग रहने की बात कही, साथ ही वहाँ तत्काल एक प्रखंड कमेटी का भी गठन किया ताकि लोगों को धार्मिक भावना से जगाते रहें। सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक किशोर के द्वारा सिमडेगा के सेवई के मतदान केंद्र पहुंचकर वहां पर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का जानकारी ली। इस दौरान वहां पत्र सात की जानकारी ली और साथ ही औचक निरीक्षण भी किया, जिस पर पाया गया कि जितने भी मृत्यु विवाहित तथा यहां से छोड़कर चले गए हैं उनकी सूची सही पाया गया। सिमडेगा के बीरू निवासी कपिल का फैन प्रेम के द्वारा हस्तप्रदा फाउंडेशन की ओर से 100 बच्चों के बीच में पाठ्य सामग्री वितरण करते हुए बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। कपिल का फैन का कहना है कि जिस प्रकार कपिल शर्मा लोगों को हंसाकर खुशियां लाते हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा बच्चों को जागरूक करते हुए उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया जा रहा है। सिमडेगा में जिला परिषद बोर्ड की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बिरसा मांझी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान हुरदा को प्रखंड बनाना, 15वें वित्त आयोग के द्वारा आवी राशि की आवंटन एवं योजना चयन, इसके अलावा कई अन्य विभिन्न मुद्दों पर बारीकी से चर्चा करते हुए कहा कि सभी कार्यों को सही समय पर करें ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। सिमडेगा परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मोटर यान निरीक्षक अरुण कुमार झा की मौजूदगी में लर्निंग लाइसेंस के बाद लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 25 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 5 लोग फेल हुए। मौके पर एमवीआई ने कहा सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने के साथ ही लोगों को लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है ताकि लोग लाइसेंस ले सके। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव के अध्यक्षता में सिमडेगा के सभागार में DLCC की बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बैंकों के ऋण संबंधित कार्यों की जानकारी ली, साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सभी किसानों को अधिक से अधिक आच्छादित करने का काम करें। इसके अलावा बैंकों की रैंकिंग की स्थिति में LDM से भी बात कही। देश में रसोई गैस की बढ़ती कीमत को देखते हुए महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सिमडेगा शहरी क्षेत्र के वीर बुधू चौक के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ सत्ता में बैठी थी उसका विपरीत कार्य कर रही है, आज पूरा देश की जनता त्रस्त है, ऐसे में हम उनका पुतला दहन करते हुए विरोध जताते हैं। सिमडेगा में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रसार अभी भी कम नहीं हुआ है। सिमडेगा में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने की DDC ने पुष्टि किया। DDC ने बताया कि एक बानो तथा एक कुरडेक का व्यक्ति शामिल है। पूर्व के इलाजरत एक व्यक्ति स्वस्थ हो गया, जिसे घर भेजा गया। कुल आंकड़ों की बात करें तो 1997 पहुंच गई है, जिसमें से मरने वालों की संख्या 5 है। फिलहाल सिमडेगा में 7 सक्रिय केस हैं। सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय राजेश बरला के द्वारा लैंपस की धान खरीददारी कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान विधिवत रूप से रिबन काटने के साथ शुरुआत की और साथ ही कहा कि अधिक से अधिक किसान यहां पंजीकृत कराकर योजना का लाभ लें ताकि सभी लोगों का धान का बिक्री सही तरीके से हो सके। उपायुक्त सिमडेगा ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित करते हुए सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों की लिखित आवेदनों को सुना, जिसके बाद संबंधित पदाधिकारियों को जाँच के लिए प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर सुपुर्द करने की बात कही। सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा प्रखंड कार्यालय सिमडेगा पहुंचकर अंचल कार्यालय में पहुंचते हुए उन्होंने
भूमि से संबंधित सभी प्रकार की राजस्व और उनके कार्यों से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने कहा कि अंचल से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन सही तरीके से किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना होना पड़े। सिमडेगा जिला के कुरडेग लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्र का प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित भगत के द्वारा शुभारंभ किया गया। मौके पर उन्होंने बताया कि जिला से किसानों के मोबाइल में मैसेज आने शुरू हो गए हैं और किसान भी अब धान बेचने का कार्य शुरू कर सकते हैं। सिमडेगा के उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गॉडविन कुजूर के द्वारा केरसई प्रखंड अंतर्गत रूसू क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में हो रहे सभी कार्यों की जानकारी ली। साथ ही कहा कार्यों को तेजी लाया जाए। जिला में बोलबा प्रखंड में मेसो परियोजना के तहत चल रहे 19.5 लाख का काम में मनमानी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार वहां पर जहां पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए उससे 2 किलोमीटर बोरिंग लगा दिया है, जिससे कि अब लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड में भले ही नगर परिषद साफ सफाई का दावा करे, लेकिन यह पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पूरे गंदगी और पेशाब की बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिमडेगा के कोलेबीरा वन विभाग की ओर से पिकअप में लकड़ी का बोटा लदा हुआ गाड़ी को जब्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब हो लगातार वन विभाग के द्वारा इस प्रकार का कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ धन्यवाद, आज फिलहाल इतना ही।